विदाउट डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी आई सिंसियरली बिलीव दैट इट विल बी डिजास्टर फॉर द कंट्री टू हैव नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑल इन न्यूज इंडिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी 3 जनवरी 2014 को। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि विदाउट डिस्कसिंग मेरिट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी आई सिंसियरली बिलीव दैट इट विल बी डिजास्टर फॉर द कंट्री टू हैव नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मोदी की जो खूबियां और उनकी जो अभी तक का जो उनका काम किया हुआ है, उस चीज को अगर सोचे समझे बगैर अगर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया तो एक डिजास्टर की तरह से होगा, विनाश की तरह से होगा। यह बात जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। और आज एक ऐसी खबर जो मोदी जी कहते हैं ना कि 70 साल में आज तक नहीं हुआ है, कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई, वो काम मोदी जी के राज में हो गया है। क्या हुआ है? 80 रुपए के लेवल को जो है वो डॉलर ने छू लिया है। $1 = 80 रुपए, ये अभी तक नहीं हुआ था और ये बहुत बड़ा झटका है। ये इसको आप आसान ऐसे लेकर के मत छोड़िए कि चलिए ये तो होना ही है, खत्म बात, ये बात वो बात, ऐसे नहीं है। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मीडिया के लिए नहीं है, टीवी के लिए नहीं है। आप लोग इस खबर को समझिए, मैं आपको खबर समझाता हूं। ये देखिए, News24 ने लिखा है, News24 की स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं। News24 ने ये ट्वीट किया और News24 के इस ट्वीट में लिखा है, रुपये में लगातार 4th दिन रिकॉर्ड गिरावट, अमेरिकी डॉलर हुआ 80.08 के पार। यानी एक अमेरिकी डॉलर वो 80.08 भारतीय रुपया। ये News24 ने ट्वीट किया कल शाम को 7 बजे 14 जुलाई को। आप बताइए क्या कहेंगे इसको। हालांकि ये थोड़ा सा जब बंद हुआ तो 79.80 के समथिंग जो है वो आकर के बंद हुआ, लेकिन 80 रुपये आप मान करके चलिए, 80 रुपये मान करके चलिए। अब 80 से 82, 83, 84, 85 कहां तक जाएगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मोदी जी रोक नहीं पा रहे रुपए को और लगातार रुपए जो है वो गिरता जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए रणवीर सिंह ने ट्वीट किया है, बहुत बधाई, रुपया 80 रुपए छू गया है, गिरो उत्सव जो है वो शुरू किया जाए। मोदी जी हर चीज का उत्सव मनाते हैं, हर चीज का अमृतकाल मनाते हैं, तो यहां पर भी जो है वो 80 रुपए पहुंच गया, तो इसका भी उत्सव शुरू होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कंपेरिजन बहुत जरूरी है, कंपेरिजन जरूरी, तुलना करेंगे तभी आप समझेंगे कि आप कहां से चले थे और कहां पहुंचे, और कहां थे आप और कहां से कहां पहुंच गए हैं। रणवीर सिंह का दूसरा ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं, मनमोहन सिंह रुपए को 58 रुपए पर छोड़ करके गए थे, नरेंद्र मोदी ने अथक परिश्रम से 80 रुपए पार पहुंचा दिया है, मात्र 8 साल में 22 अंक की बढ़त, मनमोहन सिंह पूरे 10 साल लगा करके 13 अंक बढ़ा पाए थे। मनमोहन सिंह को जो है पूरे 10 साल के उनके कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में वो बढ़ाते हैं 13 रुपए तक बढ़ पाता है, और उस दौरान पूरे दुनिया में मंदी आई थी, इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। 2008 का वो दौर बिल्कुल मत भूलिए जब पूरी दुनिया के अंदर मंदी आई थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने भारत को उस मंदी से बचा करके रखा था, अमेरिका तक जो है उस मंदी की चपेट में आ गया था, लेकिन उस वक्त में भी मनमोहन सिंह जी ने बचा करके रखा था। और मनमोहन सिंह के राज में जो पैसा था, जो रुपए था, वो 10 साल में 13 अंक की बढ़कर के 58 पर पहुंचा था। मोदी जी ने अभी 8 साल है, अभी 2 साल और बाकी हैं, 2 साल और बाकी हैं, और अभी इन्होंने जो है वो 22 अंक मोदी जी से करीब, ये मान करके चलिए आप, जो पैसा, जो रुपया जो है मनमोहन सिंह के टाइम में था उससे डबल हो जाएगा आप मान करके चलिए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं 4 रुपए तो जो है वो और बढ़ना ही बढ़ना है, 85-86 हो सकता है 90 तक पहुंच जाए, और हम बिल्कुल इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस बात को सहन बिल्कुल नहीं कर पाएगी कि रुपए 100 तक पहुंच जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सोच करके देखिए फिर तबाही मंजर क्या होगा, क्योंकि अभी भी जो आपकी महंगाई हो रही है वो सब और सब इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि लगातार जब आपके पास में ये
आप कई लोगों को ये जो है समझ में नहीं आता कि डॉलर पैसा बढ़ना क्या होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ। जब हमारे पास में हमारा जब रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो हमें कोई चीज़ बाहर से खरीदने के लिए, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं, तो बाहर से कोई चीज़ हमें जब खरीदनी है तो हमें अपना कम रुपये देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा रुपया कमज़ोर होगा, अगर हमारा रुपया 80, 70, 90, 100 तक पहुंचेगा, तो सोच करके देखिए। देखिए अब इस समझ लीजिए इस बात को, किसी चीज़ को, एक रुपए की कोई चीज़ है, एक डॉलर की कोई चीज़ है, उसको खरीदने के लिए हमें अपने 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। और अगर यही कम होता, यही 60, 65 तक होता, 70 तक होता, तो कम से कम हमारे 10 रुपए बचते। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपका कैसे जो है वो नुकसान हो रहा है, सारी चीजें जो बाहर से एक्सपोर्ट हम करते हैं उस एक्सपोर्ट की वजह से कितना नुकसान होता है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर हमलावर हैं और किस तरह से जो है वो प्रतिक्रिया आ रही है। ये देखिए एबीपी न्यूज ने छापा है, रुपए डॉलर एक डॉलर के मुकाबले 80 के लेवल को छूने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया 80 के लेवल को छूने के कगार पर पहली बार गिरा 79.92 स्तर पर। तो यहाँ पर रुपया जो है वो 79.92 पर जो है वो आकर के रुका है। अब ये 80 जो है आप मान करके इसको चलिए। अब देखिए मैं कुछ एक प्रतिक्रिया आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि रुपया जो है वो 40 रुपये पर, अगर 40 रुपये जो है वो एक डॉलर के मुकाबले रहता है तो रिफ्रेशिंग माना जाता है, अच्छा माना जा सकता है भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से। 50 रुपये पर पहुँचता है तो भारत जो है वो खतरे में आ जाता है, क्राइसिस हो जाता है शुरू। फिर उसके बाद में 60 रुपए पर पहुंचता है तो आईसीयू में पैसा चला जाता है, और उसके बाद में 70 रुपए में अगर पहुंचता है तो आत्मनिर्भर, फिर अपने आप ने आप संभालिए, यहां से ऊपर जो है वो कोई नहीं, जो है वो तबाही जो हम देखते हैं महंगाई की तबाही वो फिर नहीं रुकती है, और 80 रुपए में अगर पहुंच गया तो अमृतकाल हो जाता है। तो ये चीजें जो है आपके सामने है। सचिन पायलट ने लिखा है, केंद्र सरकार की दिशाहीन व अनियोजित आर्थिक नीतियों ने देश के आर्थिक तंत्र पर गहरा आघात किया है, जिसके परिणाम स्वरूप डॉलर के मुकाबले आज रुपए में रिकॉर्ड गिरावट के साथ में एक डॉलर की कीमत 80 रुपए के पार दर्ज हुई। केंद्र सरकार खामोशी का चोला धारण किए बैठी है। तो ये जो है वो अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, 80 पार देश की इज्जत। तो देश की इज्जत जो है वो 80 पार पहुंच गई है, लेकिन किसी को परवाह है क्या? आपको याद है, मैं सुनाना नहीं चाहूँगा, सुनाने में जो है वो आप बार बार कितनी बार सुनाएं, कितनी बार जो है मास्टर स्ट्रोक बताएं मोदी जी का। मोदी जी कहते थे कि भाइयों बहनों मैं जानता हूँ रुपया ऐसे ही नहीं गिरता है, मैं शासन में बैठा हूँ मुझे मालूम है रुपया गिरता है जिस देश का, उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं वो भाषण आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ, आप लोग भी कितनी बार सुनेंगे, लेकिन देश की जो सच्चाई है वो लोगों की कम समझ में आएगी, वो पता ये कब पता चलेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि 80 रुपए तक पहुंच जाए डॉलर और हम कोई इस पर बात ना करें। देखिए मैं आपको और दिखाता हूं कुछ एक ट्वीट। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, कांग्रेचुलेशन इंडिया, मोदी जी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, श्रीनिवास बीवी ने यही ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है कि साहेब देश में और कितनी तबाही अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी, जो मनमोहन सिंह का जिक्र मैंने किया है वही उन्होंने लिखा हुआ है, भविष्यवाणी आखिरकार सच साबित हुई है, नरेंद्र मोदी का भारत का प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए विध्वंसकारी होगा। तो ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थितियां यहां पर नजर आ रही है वो बड़ी भयंकर है। स्थितियां यहां पर जो नजर आ रही है वो बता रही है कि किस तरह से जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को, जिसको 5 ट्रिलियन का बनाने का जो है वो सपना आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन आप बताइए इतनी महंगाई होगी, इतनी बुरी तरीके से हमारे रुपए की हालत होगी, तो क्या कहीं से हम लोग जो है वो कम्पीट कर पाएंगे, कहीं से हम लोग जो है उस मुकाबले में खड़े हो पाएंगे कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हासिल कर पाए। और नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, पुराने भाषण अगर वो खुद देख ले तो उनको खुद शर्म आ जाए। तो बहरहाल बड़ी खबर है, इस खबर को आप आगे तक पहुंचाइए, इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, रुपया लगातार गिर रहा है, मोदी सरकार की फेलियर है या नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल